लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं आकिब मिराज खान और हम मौजूद हैं लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर पर, जहां पे लगातार महिलाओं को प्रोटेस्ट पे बैठे 34 दिन हो चुके हैं और इनकी मांग है कि NRC, CA और NPR को वापस लिया जाए। और आज ही वार्ताकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक डेलीगेशन गया है शाहीन बाग, जो कि आप देखते हैं वो सफल होती है या नहीं। और उसके बावजूद देखिए लखनऊ घंटाघर में आज अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं, और क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग यही है कि जो काला कानून है ये वापस ले, वरना वो लोग कह रहे थे कि बिरयानी खाने औरतें आती हैं। अब बिरयानी तो बिरयानी, हम लोग अन्न त्याग दिया है, अन्न भी नहीं खाएंगे। वो लोग कहाँ हैं जो लोग कह रहे थे बिरयानी खाते हैं? यहाँ बिरयानी के लिए हम लोग नहीं आते, या 500 रुपए के लिए नहीं आते हैं, हम लोग अपना हक के लिए आते हैं और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पे हम लोग लड़ते रहेंगे। तो ये आपका जवाब है कि हम बिरयानी खाने नहीं आते और 500 रुपए के लिए नहीं आते, इसलिए आपने ये भूख हड़ताल करी है? जी जी नहीं, ये इसका जवाब नहीं है। ये 56 इंच के चौकीदार ने जो कहा था देश के हथियारों को गोली मारो सानों को, और कहा था कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो हमने उसको दिल्ली से हटा दिया था। अब उसने वाराणसी में बोला है कि जमहूरियत UNO का प्रेशर पड़ने के बाद, हमारे कोर्ट का प्रेशर पड़ने के बाद भी हम पीछे नहीं हटेंगे। दोनों चीजें उन्हें वापस करनी ही पड़ेंगी, क्यों नहीं करेंगे? अगर ये करेंगे तो आप धरना प्रदर्शन, भाई धरना प्रदर्शन हो किस लिए रहा है? आप सवाल कैसा कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन करे, राजनीति को जोड़ लिया? नहीं, बिल्कुल राजनीति को नहीं जोड़ा हमने। इसलिए एक बात बताइए, अगर CA में मुसलमानों को इंक्लूड कर देते हैं, CA में अमेंडमेंट चाहिए, NPR और NRC का बिल्कुल खात्मा चाहिए। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम अपना अनशन हटा देंगे, ठीक है? मेरा बस यही जवाब है। और राजनीति की बात जहाँ तक है, वो आप सुन लीजिए कि राजनेता को हम राजसिंहासन पे अपने उज्जवल भविष्य के लिए बिठाते हैं, अपनी नौकरी के लिए, खाने के लिए, आराम के लिए, सब्जियों की सस्ताई के लिए, गैस की सस्ताई के लिए बैठाते हैं। जब वो नहीं बैठेगा तो क्या किया जाएगा? राजनेता कह रहा है कि देश के हथियारों को गोली मारो सालों को, हम देश के गद्दार हैं, तो देश के गद्दार को गद्दारों ने बताया कि कौन गद्दार है? हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनेताओं को सही बात सिखाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम का गठन करा है वार्ताकाल करने के लिए शाहीन बाग में, तो आज वो गई है बात करने शाहीन बाग, आप क्या चाहते हैं कि आपसे भी बात करने एक टीम आए यहाँ पर? देखिए, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छी पहल है सुप्रीम कोर्ट की, अगर उसने ये काम किया है। लेकिन अगर शाहीन बाग की डिमांड को समझते हुए वो वार्तालाप करे, तब तो हम उसकी बात को मानेंगे और हम कहेंगे वो यहाँ भी आवे। भाई, बात से ही बात बनती है, लड़ाई को अगर बात नहीं होगी तो खिंचती रहेगी, बात होती है तो गुस्सा गर्मी खत्म होता है, आमने सामने आकर के बातों का कुछ और मतलब निकलता है। तो उन्हें भी आना चाहिए, मैं यहाँ भी उनका स्वागत कर रही हूँ। मैंने तो अमित शाह जी को बोला था कि मैं राखी लिए बैठी हूँ, आप आइए, आपकी बहनें यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। मुंह तो उन्होंने छुपा रखा है, हम तो गली मोहल्ले चौराहे में उनको पुकार रहे हैं कि गृह मंत्री जी 56 इंच का सीना लेकर के इन बहनों के पास आइए, वो आपको राखी बांध करके और डबल करना चाहती है। वो तो बुला रहे हैं, हमसे आइए बात करिए। देखिए, ये सारे टोटके बहुत पुराने हो चुके हैं, सन 2014 से हम उनको भुगत रहे हैं, और उससे पहले अब की बार मोदी सरकार हम देख चुके हैं, तो ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले वो कहेंगे अब की बार मोदी सरकार, और फिर कहेंगे कि देश का नौजवान पकौड़ा तले। हम जो है रेलवे बेच दें, BSNL बेच दें, देश के शहीद की बीबियां जो है वो सब्जियां बेचें, और हम जो है कहें कि हम बात करना चाहते हैं। बात नहीं, वो एक लेटर पे लिख करके विद सिग्नेचर स्टैंप के दे कि हम NRC और NPR को वापस ले रहे हैं, और CAA जैसा कि था हमारे संविधान में उसको यथा स्थिति में रखें, वही काफी है। लेकिन फिलहाल तो अभी NRC लागू नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि देखिए, फिलहाल का तो कोई मतलब ही नहीं, ये ऐसे झूठे लोग हैं, ऐसे धोखेबाज लोग हैं कि इनके ऊपर हमें भरोसा तो है ही नहीं, हम बिल्कुल इनकी बात को मानने को राजी नहीं है। ये कब क्या करेंगे, रातों रात 370 लगा देते हैं, और अचानक इनका बाबरी मस्जिद का फैसला अचानक आ जाता है, बच्चों की किताबों पर टैक्स अचानक बढ़ जाते हैं, कब तक वो हमको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, कब तक हम बनते रहेंगे? आज आजेब नाम की एक औरत
जिसने 15 डॉक्यूमेंट्स अपने कोर्ट में दिखाए लेकिन वो भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाई। एक्चुअल में ये फारसी जो थे वो इंडिया में आ करके इनको थोड़ी सी इज्जत दे दी गई। ये राम राज है और राम की नगरी में सभी को गोद में बिठाया गया। आज ये खुद को ब्राह्मण समझने लगे। मैं तो चाहती हूँ कि जनता खुद ही इनको जूते मार के भगा दे इंडिया से। और एक बात और, नीरव मोदी और अडानी की तरह मेरा नाम लिख लीजिए। शबी फातिमा रिजवी खुलेआम कह रही है कि ये चोर भी अगर न भाग जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। आगे। 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 आगे।